नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर अब संग्राम का नया गढ़ बना है। देश की नई संसद भवन के बिल्डिंग से ही लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा एक बयान जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में जिस अंदाज में जीत दर्ज की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी एक नए तेवर नए क्लेवर में नजर आ रही है, खासतौर पर बीजेपी या केंद्र सरकार पर हमला बोलने को लेकर। लेकिन अब लड़ाई जो है वो नई संसद भवन को लेकर है। हालांकि सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि संसद में सिर्फ बीजेपी के ही सांसद बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तमाम पार्टियों के सांसद जो हैं वो इस जगह पर बैठेंगे और भविष्य को देखते हुए संसद का निर्माण कराया गया है। लेकिन जो पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति का अपमान क्यों हो रहा है, कैसे हुआ राष्ट्रपति का अपमान और क्या कुछ है इस पूरे ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जानिए पूरी खबर में। दरअसल कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता है, इसलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का हमने फैसला किया है। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये हमला विपक्ष की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आगे इस संसद भवन के उद्घाटन को महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा गया है कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मतभेदों को दूर करने को तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराने का निर्णय लिया गया, वो राष्ट्रपति पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसके अलावा बयान में अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वो संसद को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और संबोधित करते हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का फैसला लिया है। ये अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन है। इसके अलावा कहा गया है कि संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया है जिनके लिए बनाया जा रहा है। हालांकि भी आपको बता दें कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अब इस नए संसद भवन का बहिष्कार कर रही हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और इसके अलावा एमडीएमके। तो ये तमाम पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं इस नए संसद भवन को लेकर। तो कुल मिलाकर तमाम लोगों का यही कहना है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री से क्यों, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है, ये राष्ट्रपति का अपमान है, उन्हीं राष्ट्रपति का जिनके बारे में उदित राज, आपको पता है उदित राज कौन है, उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पहले बीजेपी में हुआ करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको जानना चाहिए, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि जो मांग अभी राष्ट्रपति को लेकर की जा रही है उस मांग के पीछे जो मंशा है वो संभवतः क्या हो सकती है। उदित राज का आपको पहले वो ट्वीट बताते हैं जिसमें उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब इन पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। कांग्रेस नेता उदित राज ने तब ट्वीट करते हुए लिखा था, द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। यानी जिस राष्ट्रपति के पद की गरिमा की बात आज कांग्रेस पार्टी उनके तमाम साथियों के साथ की जा रही है
और इसी गरिमा का अगर एहसास उदित राज ने उस वक्त रखा होता तो शायद और बेहतर होता, और शायद और ज्यादा बेहतर तब होता जब कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान को लेकर, देश की राष्ट्रपति के प्रति उदित राज के इस बयान को लेकर कोई एक्शन लेती। लेकिन फिलहाल राजनीति के निशाने पर नई संसद भवन है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। अब इस पूरे एपिसोड को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।